और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आगरा की खबर से, जहां पर आग से मचे हड़कंप की बात करते हैं। आगरा में LIC बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। इमारत की ऊपरी मंजिल में यह आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में ये आग पहुंच चुकी है, बहुत सख्ती है। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, जहां पर भीषण आग लगी हुई है। LIC बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। इमारत की ऊपरी मंजिल में आग लगी है। आग बुझाने की कोशिशें भी लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विवेक पाठक हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या अपडेट? देखिए दिवाली में आपको बता दें, जो ये बिल्डिंग है ये LIC का मुख्य जो है प्रबंधन मैनेजमेंट दफ्तर कहा जाता है। और खासतौर से बता दूं कि जहां ये बिल्डिंग है ये NG रोड यानी कि आगरा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र इस इलाके को माना जाता है। ये बिल्डिंग LIC कही जाती है और यहां पर सातवीं मंजिल से शॉर्ट सर्किट का एक अंदेशा है लोगों को, जिस तरह से बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट से इस आग ने लगना शुरू किया। करीब 1.5 घंटे बाद आप जो है दमकल की टीम यहाँ पर, करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे बिल्डिंग के इलाके हैं जो उन्होंने अपने दूसरे तरीकों से जो है चक के रास्तों से अन्य जो बिल्डिंग की जो मंजिल है उन तक वह पहुंच चुकी है अब आग। और ये भी माना जा रहा है, देखा गया है कि अभी जो नीचे बिल्डिंग की, इसी बिल्डिंग के पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल पर बैंक भी है, तो देखा जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक यहां पर पहली मंजिल पर है, वहां तक भी आग पहुंच चुकी है। तो ऐसी स्थिति में दमकल कर्मियों के लिए भी यहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहां जहां एग्जिट और एंट्री के गेट थे वहां भी आग है, तो वहां से कहीं तरह किस तरह से आग से जूझना, आग से बचना, ये बहुत बड़ा सवाल सामने निकल के देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और लेकिन विवेक, क्या ये आग और फैल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो आज आग का जो शुरुआती जो स्वरूप देखने को मिल रहा है भीषण है, और जिस तरह से जो स्थितियां चल रही है कहीं ना कहीं आग का ये जो स्वरूप है बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आग पर नियंत्रण करने के लिए करीब अभी जो दमकल कर्मियों के पास बेहद चुनौतियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सिक्योरिटी और जो वाटर सिस्टम था इस बिल्डिंग का, वो फेलियर हुआ है, उसके बाद से इस आग ने विकराल रूप ले लिया। मौजूद है कोई? देखिए अभी तक इस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग के साथ ही इसी बिल्डिंग में 8 बैंक हैं नेशनलाइज, जो जिनकी शाखाएं इस बिल्डिंग के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उनके रिकॉर्ड के ऊपर भी खतरा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि PNB ब्रांच में भी, पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में भी कहीं ना कहीं आग पहुंची है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान इसका देखा जा सकता है। शुक्रिया विवेक, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये आग आगे भी बढ़ सकती है और कुछ दस्तावेज जल सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से आग लगी है उसे बुझने में काफी वक्त लग सकता है, तब तक ये आग और भी फैल सकती है।